हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सरसों की चटनी। बताइए, सरसों बीज निकाली हुई, इमली का रस, हरी मिर्च, लहसुन और दही। पहले सरसों डालेंगे, फिर इमली का रस जिससे बीज हम निकाल लिए हैं, फिर हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च और लहसुन को हमने छील लिया है, छील कर डालें। अब दही डालेंगे, 2 से 3 चम्मच ही डालेंगे दही। ये तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाए क्योंकि हम लोगों ने इमली का रस भी डाला है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसे हम लोग पीस लेंगे, इसमें अलग से तेल नहीं डालना। ये देखिए, हम लोग पीस लिए हैं, पूरा में ही पीसना है। ये चटनी अब तैयार हो गया है और हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। इस चटनी को पराठे और पकौड़े के साथ भी खा सकते हैं।